Mairi, you're going for the first time. How are you feeling? How are you feeling? You sleepy? Are you sleepy? Oh yeah, Mairi is sleepy. We say hi. Say hi, 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 hi. Hi guys, good morning. It's Sunday. आज संडे है और टाइम हो रहा है अराउंड 11 बजे सुबह के. सो गाइज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए. सो मुझे लगा कि मुझे आपको अपने साथ लेके जाना चाहिए ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन कौन से ब्रांड्स पे कितना कितना ऑफ चल रहा है और कैसा कैसा स्टफ है. हम कोशिश करेंगे जस्टिस करने का. और गाइज हम जाएंगे आज फॉरेस्ट एसेंशियल के शोरूम पे भी. सो लेट्स सी अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो मैं आपको एक छोटा सा टूर भी दे दूंगी. तो चलिए. हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. आई होप यू आर डूइंग वेल. सो जैसे कि आपने देखा, मैं यू नो इंट्रो शूट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन यू नो हो नहीं पाई. तो जो भी था वो यही था. एंड इसमें जो मैं कह रही हूँ कि यू नो हम मैं शॉपिंग पे गई थी, वो मैं गई थी जुलाई के महीने में, बिकॉज आपको पता है कि मिड ऑफ जुलाई में ही सेल स्टार्ट होती है. तो ये उस टाइम का वीडियो है. सो मैंने कुछ एक चीज़ें ली थी, वो आपको दिखाऊंगी. और मैं आपको दिखाऊंगी फॉरेस्ट एसेंशियल के शोरूम पे मुझे कैसा एक्सपीरियंस रहा. सो देन वी स्टॉप फॉर द ब्रेकफास्ट. Mari, you want dhokla? I got dhokla. आप कितने साल बाद जब देखोगे तो आपको याद आएगा ना, हमारा तो बचपन से एक फोटो भी आपके लिए वीडियो बना ली है आपकी यादों के लिए. जब तब क्या क्या करना है यार. हाँ जी पुत्र, कहाँ हुआ? कुछ नहीं होता, पकड़ लो ना अच्छे से. पकड़ो पकड़ो पकड़ो. एंड गाइज, जब हम मॉल पहुँचे, हम गए थे सिलेक्ट सिटी वॉक. मैंने वो इसलिए सिलेक्ट किया था बिकॉज मुझे था कि वहाँ पे ऑलमोस्ट जो मुझे चीज़ें लेनी थी वो सारे शोरूम, सारे ब्रांड्स वहाँ पे अवेलेबल थे. सो बट हुआ क्या कि जब हम पार्किंग में पहुँचे तो यू नो हम अपना कैमरा गाड़ी में भूल गए थे. एंड जब हम ऊपर चले गए देन मुझे याद आए, ओ शिट, कैमरा गाड़ी में रह गया. तो यू नो देन आई लाइक कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, फिर कभी ब्लॉग बना लेंगे, एनीवेज चलो छोड़ो. एंड यू नो बेबी के साथ, छोटे बेबी के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है यू नो बच्चे को संभालो या कैमरा संभालो, ब्लॉग करो. सो दैट वॉज अ क्वाइट हैक्टिक. एंड फिर मैंने कहा चलो एनी वेज रहने दो, मैं वैसे ही बता दूंगी कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस था. चीज़ें मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कौन कौन सी चीज़ें लेके आई. सो गाइज, जैसे ही हम मॉल के अंदर एंटर हुए थे तो सबसे पहले जिस साइड से हम एंटर हुए थे, हम शायद बैक साइड से एंटर हुए थे. एंड वो इंटरलिंक हैं दोनों मॉल, आई डोंट नो क्या सीन था उधर का. तो जैसे हम एक यू नो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप सी है, उसके बीच में से आप टनल जैसी है, वो टनल जैसी उसके बीच में जब आप निकलते हो तो सामने ही आपको आपके राइट हैंड साइड पे H&M का शोरूम दिखता है. तो सबसे पहले मुझे वही दिखा तो मैंने कहा चलो पहले यहीं से कुछ ले लेते हैं. सो गई तो मैं अपने लिए लेनी थी लेकिन यू नो जैसे सामने अंदर एंटर हुए वहाँ पे मुझे किड सेक्शन दिख गया. एंड यू नो पेरेंट बनने के बाद आपका थोड़ा सा ध्यान अपने पे से हटके बच्चों के पे ज़्यादा चला जाता है. सो एग्जैक्टली मेरे साथ भी वही हुआ. तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने पिक करी थी गाइज वो ये वाली फ्रॉक थी. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी. ये ब्लूइश कलर में है,
और दिस इज़ द फ्रंट साइड एंड दिस इज़ द बैक साइड. यहाँ पे आप देख सकते हो बटन लगे हुए हैं. मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी. दो आई नो मेरे बेबी का भी ये साइज़ नहीं है बट शायद उसको आ जाएगा. सो आई लव दिस ड्रेस एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 799-800 के आसपास पड़ी थी मुझे. सो विच इज़ अ डील एंड आई लाइक द स्टफ. इट्स वेरी कम्फर्टेबल. नेक्स्ट मैंने लिए थे ये क्यूट से प्यारे से शूज़. ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे. दो ही मेरे बेबी का साइज़ नहीं है. ये एक साल से डेढ़ साल के बच्चे का है बट एनीवेज मैंने ले लिया था. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एडवांस में लेके रख लो. सो जैसे कि आप देख सकते हो ये बहुत ही क्यूट शूज़ हैं. वाइट कलर के हैं. यहाँ पे ये पिंक कलर के छोटे छोटे पॉम पॉम लगे हुए हैं जो बहुत ही क्यूट नज़र आते हैं. एंड ये वाले जो थे दीज वर रिटेल्स फॉर 499, 1500 के थे बट आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़े हैं 799 रुपीज़ के. सो विच वॉज अ स्टील. सो आई लव दिस वन. एंड देन फाइनली यू नो मैं अपने सेक्शन में पहुंची और मैंने बहुत सी चीज़ें ट्राई करी. बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स थे, बहुत अच्छा अच्छा स्टफ़ था वहाँ पे. बट मैंने जितना भी स्टफ़ ट्राई ऑन किया यू नो वो सारा का सारा मुझ पर सूट नहीं कर रहा था बिकॉज मैंने थोड़ा सा वेट गेन कर लिया है. थोड़ा नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है. सो यू नो वो ड्रेसेस कुछ खास नहीं मेरे पे जच रही थी. सो सिर्फ एक ये थी जो थोड़ी नॉर्मल और ओके ओके टाइप्स लगी. तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब इतना टाइम वेस्ट किया है तो कुछ तो लेके जाना चाहिए. सो आई गॉट दिस स्ट्राइप वाली ड्रेस. मेरे पास ऑलरेडी स्ट्राइप वाली ड्रेस है बट यू नो वो मेरी ब्लैक एंड वाइट है और ये मैंने ली है ब्लू एंड वाइट में. एंड साइज़ मुझे इसका पता नहीं बट इसमें यहाँ पे स्ट्रेचेबल वेस्ट बैंड है. मैं इसका पिक्चर यहाँ डाल दूँगी. सो अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो. एंड इसका जो प्राइस था दैट वाज अराउंड 799 और 899, आई डोंट नो. सो बहुत ही कंफर्टेबल और सॉफ्ट कपड़ा है. सो दिस वन इज़ अ ग्रेट डील. इफ़ यू वॉन्ट तो आप इस तरह की ड्रेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये बहुत ही वर्सटाइल होती हैं. आप इसको जैकेट के साथ पेयर अप कर सकते हो, शॉर्ट जैकेट के साथ पेयर अप कर सकते हो, डेनिम जैकेट के साथ पेयर अप कर सकते हो, श्रग, एनी थिंग यू वॉन्ट आप इसको पेयर अप कर सकते हो. सो गाइज देन मैं पहुँची फॉरेस्ट एसेंशियल के शोरूम पर. मुझे एक्सपेक्टेड था कि वो यू नो मैंने मुझे लगा था कि वो शायद एक्सक्लूसिव होगा बट वो एक्सक्लूसिव नहीं था. वो बहुत ही छोटा सा एक यू नो कॉर्नर में एक छोटा सा ही उनका वो था आउटलेट. सो वहाँ पर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सभी अवेलेबल थे. मुझे जो चीज़ें लेनी थी वो वहाँ पर अवेलेबल थी बट मुझे चेक करना था कि जो मैंने उनका रोज़ वाला लिप बाम लिया है क्या वो ओरिजिनल है या नहीं. सो मैंने वहाँ पे चेक करवाया और उन्होंने कहा कि हाँ जी ओरिजिनल ही है. सो यू नो कि जो मैंने रिव्यू दिया है वो सही है. सो जो चीज़ें मुझे लेनी थी, दो चीज़ें लेनी थी लेकिन मैंने तीन ली थी. तो मैंने उनको पूछा था कि सबसे पहले बता दूँ कि यू नो जब भी आप जाते हो फॉरेस्ट एसेंशियल के शोरूम पे तो वो आपको इस तरह की पैकेजिंग में आपको स्टफ़ देते हैं. तो मैंने तीन चीज़ें पिक करी थी और जो उनकी पैकेजिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है, वेरी इम्प्रेसिव. इस तरह की पैकेजिंग में देते हैं वो और बीच में कुछ यू नो एक कागज़ जैसा डालते हैं, उसके बीच में फूल डाल के थोड़ी सी फ्रेग्रेंस स्प्रे करके डाल देते हैं यू नो थोड़ा सा उसको ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगाने दिखाने के लिए. एंड यू नो जब मैंने ये चीज़ें ली तो मैंने उनको पहले ही पूछा था कि यू नो मैंने नाइका से परचेज़ किया था तो मुझे 2500 की शॉपिंग पे चार सैंपल फ्री मिले थे. सो स्टोर पे भी वो चीज़ अवेलेबल है. तो द गाय सेड कि हाँ जी इट्स अवेलेबल. बट ऑनेस्टली बताऊँ जब मैंने ये सारा सामान खरीद लिया ये अराउंड मैंने 4000 के आसपास मैंने शॉपिंग की थी. पहले मैं दिखा दूँ कि मैंने क्या क्या लिया था. वैसे आपको पता ही है तो एक तो मैंने लिया था ये रोज़ वाटर जो कि अभी ऑलमोस्ट आप देख सकते हो फिनिश हो चुका है. मुझे दोबारा लेना पड़ेगा. सो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो ही इज़ यूजिंग दिस कंटिन्यूसली. तो एक मैंने लिया था ये रोज़ वाटर और दूसरी चीज़ जो मैंने ली थी वो था मेरा ये सैफ्रन वाला फेस वॉश जिसको मैं अभी करंटली यूज़ कर रही हूँ. आप देख सकते हो कितना मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ. अभी दो महीने मेरे और ये निकाल देगा. सो दूसरी चीज़ थी ये वाली, ये मैंने ली थी. एंड थर्ड चीज़ मुझे जो एक्चुअली चाहिए तो नहीं थी बट मुझे ट्राई करना था बिकॉज़ मैंने बहुत सुना था कि इसके जो उपतन हैं वो बहुत ही अच्छे हैं. तो मैंने सेल बॉय को पूछा कि कौन सा वाला मेरे फेस के हिसाब से, मेरे स्किन इश्यूज़ के हिसाब से मेरे लिए परफेक्ट रहेगा. तो उसने मुझे ये वाला सजेस्ट किया. ये जो है ये है फेशियल उपतन नारंगी या नागकेसर वाला. तो पैकेजिंग बाहर से कुछ इस तरह की है और अंदर आपको इस बॉक्स के मिलता है इस तरह का प्रोडक्ट. सो ये मुझे मिला. मैंने इसको यूज़ करा है. मैं भी कर रही हूँ इसको यूज़ में. मैं उसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहती हूँ. बाकी दोनों का रिव्यू मेरे चैनल पे है लेकिन इस वाले का रिव्यू नहीं है क्योंकि मैं इसको अभी भी यूज़ कर रही हूँ. मैं इसको थोड़ा सा और टाइम देना चाहती हूँ जस्ट टू सी
कि यू नो लॉन्ग टाइम यूज़ करके क्या इससे फ़ायदा मिलता है. सो या इसका रिव्यू जल्दी आपको मिलेगा मेरे चैनल पे. सो अब मैं बात करूँगी कि उन्होंने मुझे सैंपल दिए या नहीं. तो यू नो उन्होंने पैकेजिंग वगैरह सब कर दी एंड दे हैंडेड ओवर मी दिस पैक. तो मुझे लगा कि ठीक है, हमने पेमेंट वगैरह कर दी, तो आई गेस ये टोटल मुझे पड़ा था 1250 का. ये है 1250 का, ये था एंड दिस वन, एंड ये था 1075 रुपये का. तो दैट मीन्स ऑलमोस्ट मेरा 4000 के आसपास बिल बन गया था. तो मुझे था कि ठीक है, सैंपल डाल दिए होंगे उन्होंने, मुझे ये पकड़ाया है तो इसके बीच में सैंपल होंगे. तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद मैंने देखा, मैं देखूँ क्या कौन कौन सैंपल दिए उन्होंने. तो मैंने फटाफट से खोल के देखा तो There was no sample. And मुझे थोड़ा सा हुआ कि अरे शायद वो भूल गए हैं देना, तो चलो वापस चलते हैं, उनको बोलते हैं कि आपने सैंपल देना भूल गए. बट देन माई हस्बैंड इज़ यू नो कि रहने दो. तो मुझे थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटेड लगा कि यू नो अगर ऑनलाइन मैं ख़रीदती तो शायद मुझे 4 नए सैंपल और ट्राई करने का मौका मिल जाता. बट यू नो स्टोर पे जाके मतलब 4000 की शॉपिंग करी और उन्होंने एक भी सैंपल फ्री नहीं दिया. सो विच वॉज यू नो आई थिंक वेरी डिसअपॉइंटिंग फ्रॉम देयर साइड. सो फॉर एसेंशियल इफ यू वॉचिंग देन प्लीज सेंड मी माई 4 सैम्पल फ्री सैम्पल्स. सो एनी वेज, सो ये था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस फॉर एसेंशियल केयर शोरूम पे. मैंने कोशिश करी थी ब्लॉग करने की लेकिन हो नहीं पाया. बट नेक्स्ट टाइम आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक इट बेटर सो दैट यू नो आपको देखने में भी मज़ा आए और आप थोड़े से एंटरटेन भी हों, ज़्यादा बोरिंग ना लगे. सो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट बिकॉज मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं कैसे करते थे. सो एनी वेज नेक्स्ट टाइम के लिए हम थोड़ा और अच्छे से करेंगे और थोड़ा सा क्रिएटिव होंगे. ऑल फॉर टूडेज वीडियो. आई होप यू एन्जॉयड दिस रॉ ब्लॉग और काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव ब्लॉग. आई डोंट नो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा है या नहीं. अगर लगा है देन गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.